फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो कल मैंने बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग लेवल्स शेयर किया था कि अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे बेयरिश होता है एंड बेयरिश पैटर्न देता है विथ बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, तो हमारे जो फर्स्ट की सपोर्ट लेवल होगा, फर्स्ट टारगेट होगा, दैट विल बी 41,200। और अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर बुलिश होता है या बुलिश पैटर्न दिखाता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके एक अपसाइड ब्रेकआउट होता है, देन आर फर्स्ट की रेजिस्टेंस लेवल या टारगेट विल बी 42,000। तो आज देखो बैंक निफ्टी पर क्या हुआ, फ्लैट ओपनिंग दिया कॉस्ट टू कॉस्ट, उसके बाद एक एक कैंडल इसके ऊपर इसके नीचे काट रहा है, तो एक साइडवेज पैटर्न था, मार्केट ने कुछ क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दिया। अगर आप मेरे कल की वीडियोस को चेक करेंगे तो मैंने बताया था कि जब तक कोई क्लियर डायरेक्शन ना मिले एंड पहले 15 टू 20 मिनट्स वेट कीजिए, मार्केट को कंसोलिडेट होने दीजिए, उसके बाद जैसे डायरेक्शन हमें पता चल जाता है उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। काफ़ी सारे ट्रेडर्स की जो कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए जो बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग लेवल्स में दे रहा हूँ, उसी के साथ हम लोग एक बार जो बाई सेल सिग्नल्स है उसको टैली करके ट्रेड ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सेल सिग्नल मिला विच इज़ एज पर आर सेटअप बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी हैं, बट देखिए यहाँ पर अगेन एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तो फिर यहाँ पर कैसे ट्रेड लेंगे एंड ये कैंडल भी बीचों बीच है, तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ ट्रैप, नंबर वन। नंबर टू, कुछ ट्रेडर्स ने ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग किया है, तो उसके बाद देखो मार्केट पूरा फ्लैट हो गया, साइडवेज चला एंड ये जो बाय सिग्नल आपको दिख रहा है इस पर कोई ट्रेड हुआ ही नहीं, एज बिकॉज स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा है। एंड मैंने 11:20 पर टेलीग्राम पर एक पोस्ट किया कि मार्केट मोमेंटम इज गेटिंग स्लो, ड्यू टू स्लो मोमेंटम इट कैन बी पेनफुल डे फॉर ऑप्शन बायर्स, सो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर आज ट्रेड हुआ नहीं एंड मैंने खुद ऑप्शंस सेल किया था ऑन बोथ दी साइड्स। तो निफ्टी की चार्ट को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। कल मैंने निफ्टी पर जो ट्रेडिंग लेवल्स दिया था कि अगर निफ्टी इसके नीचे बेयरिश होता है विथ बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, तो हम सेल साइड पर ट्रेड ले सकते हैं एंड आर फर्स्ट टारगेट विल बी 17,720। तो अब देखो ऑलमोस्ट वहीं तक प्राइस आया बट हमें मौका नहीं दिया एंट्री लेने के लिए, एकदम मेरे जो लेवल्स दिए थे उसी के आसपास आया बट हमें एंट्री करने का मौका भी नहीं दिया, क्योंकि मैंने बार बार कहा आपको एटलीस्ट 15-20-25 मिनट्स आपको पहले वॉच करना है। तो यहीं पर तो 15-20 मिनट्स में तो प्राइस निफ्टी यहां तक आ गया ऑलरेडी, उसके बाद फिर से एक सेल सिग्नल, बट एज यू नो ये सेल सिग्नल के नीचे है एक कंटिन्यूस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तो कंटिन्यूस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो पहले से आ रहा है acts as a strong support and इसी order block को support लेके फिर धीरे धीरे again market sideways ही कह सकता हूँ मैं। तो crude oil की chart को analyze करेंगे तो अभी तक trade है नहीं and देखिए जब से market आज खुला है तभी से almost sideways ही चल रहा है, तो market is still open, तो हो सकता है कि बाद में as per our setup कोई signal या ट्रेड मिल जाए। स्टॉक्स को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। नॉर्मली मैं जिन स्टॉक्स के ऊपर फोकस करता हूं उस पर ट्रेड मिला ICICI, एक्सिस एंड ITC पर, बाकी सारे स्टॉक्स पर कोई भी ट्रेड नहीं मिला एज पर आर सेटअप। ICICI बैंक की चार्ट को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 10:21 की कैंडल पर हमें मिला एक सुपर सेल। सुपर सेल मीन्स पुल बैक मोमेंटम एंड पुल बैक रेंज ब्रेकआउट, दो अलग इंडिकेटर सेम कैंडल पर सिग्नल दे रहे हैं एंड आपकी जो एंट्री होगा ऑन दिस कैंडल। तो उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रॉम 857 इट मेड अ लो ऑफ 849। तो एक्सिस बैंक की चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर 1045 पर एज पर आर सेटअप सेल सिग्नल मिला है, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ बट टारगेट भी अचीव नहीं हुआ, यू कैन से कॉस्ट टू कॉस्ट। देखिए ये जो साइडवेज पैटर्न बना रहा है ना सुबह से, दैट इज़ वाई बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, सेल सिग्नल मिला तो सेल ले लेते हैं, बाय सिग्नल मिला तो बाय पर ट्रेड ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वी हैव टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स इन ऑर्डर टू अवॉइड फेक सिग्नल्स। तो
आईटीसी पर आप देखो, यहाँ पर एज पर आर पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर हमें एक ट्रेड मिला है ऑन डाउनसाइड रिवर्सल। दिस इज आर डिमांड जोन, दिस इज आर सप्लाई जोन। जब प्राइस सप्लाई जोन को छू के नीचे के तरफ आता है विथ 2-3 रेड कैंडल्स एंड ये ट्रेंड लाइन भी जब रेड है एंड इट शुड पॉइंट डाउनवर्ड्स, तब आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो, फ्यूचर सेल कर सकते हो, आप स्टॉक सेल कर सकते हो एंड आपके जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स का क्या कन्फ्यूजन है कि अगर सप्लाई जोन के पास से अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो क्या मैं ट्रेड लूँ, अगर ये ब्रेक होता है तो क्या होगा। प्राइस एक्शन पर डिमांड या सप्लाई जोन पर हम तभी ट्रेड लेते हैं जब प्राइस सप्लाई जोन को छूने के बाद नीचे आता है, टच करके, जस्ट लाइक दिस, ब्रेक नहीं करके। फॉर एग्जांपल, अगर ये सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन अगर इस लाइन को ब्रेक करता है तो क्या होगा, सप्लाई जोन शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट सप्लाई जोन पर। तब आपको वेट करना है कि प्राइस अगेन कब नेक्स्ट सप्लाई जोन को छू के, प्राइस छू के, सप्लाई जोन से छू के नीचे की तरफ आ रहा है तो ही आप ट्रेड लेंगे। अब मान लीजिए फिर यहाँ पर भी ब्रेक हो गया, देन अगेन अ न्यू सप्लाई जोन विल गेट क्रिएटेड। यू हैव टू वेट कि प्राइस कब नेक्स्ट सप्लाई जोन तक जाए। यहाँ पर अगर आपका दो बार स्टॉप लॉस हो जाता है फिर आप तीसरी बार और ट्रेड नहीं लेंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो प्राइस एक्शन पर डेली ट्रेड नहीं मिलता है, हफ्ते में एक या दो बार मिलता है। स्पेशली जो ये जो डाउनसाइड रिवर्सल है इसमें बहुत अच्छा ट्रेड्स मिलता है। आप इस इंडिकेटर की मदद से बैंक निफ्टी, निफ्टी, कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो, हर मार्केट प्लेस पर ट्रेड कर पाएंगे। अगर आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। और बहुत जल्दी मैं प्री मार्केट पर ऐसा न्यूज़ एंड की फैक्टर्स को हाईलाइट करूँगा जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, ताकि आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस मिले।